फिर आप सबके सामने उपस्थित हो गई हूँ, लेकिन अभी ना लंच के बाद हम लोग होटल में भागे। ये मंदिर से 2-3 किलोमीटर दूर है हमारे होटल, तो वहाँ जाके हम पूरा तैयार हुए प्रोग्राम के लिए, मेकअप, कॉस्ट्यूम, एवरीथिंग। और मुझे ना बहुत टेंशन था, एक तो इतने बच्चे को लेके तैयार कर पाऊंगी कि नहीं समय में, पर हमें मंदिर में आते हुए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया था, देखिए प्रोग्राम शुरू हो गया। और मुझे ना स्टेज लेके भी थोड़ा सा टेंशन था कि पता नहीं यहाँ स्टेज कैसे होगा, ऑडियंस कैसे होंगे। पर आके जब हमने स्टेज देखा ना, इतना अच्छा लगा, आप लोग भी देखिए, इतना सुंदर स्टेज शायद कभी कभी अच्छे ऑडिटोरियम में भी नहीं होता। बैकग्राउंड देखिए क्या डिजाइन है, इतना अच्छा लग रहा था ना, दिल खुश हो गया। और प्रोग्राम तो शुरू हो गया, चलिए हमारा प्रोग्राम भी थोड़ा दिखा।
देखिए बच्चों को ये सब मोमेंटोज और सर्टिफिकेट्स मिला है जो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। और अभी ऑडियंस का रिएक्शन भी थोड़ा सा आप लोगों को दिखाती हूँ। I'm Sujita, so yeah. I'm a trainee pilot. So okay. I just came to visit Baba, and it was a complete feast to our eyes to see you all dance performing over here. And I'm really, really thankful and grateful that I have seen this performance. Yeah. Really, so what did you like about it? Oh my God, each and everything was perfect on pitch. Like it was crisp and clear. Yes. I have to say that your guru, you guys are amazing. Yeah, our guru has been, this is her, her flagship kind of performance. Yeah, thank God. She has been doing this since she was 13. Oh, great. It was my dream, you know, to learn Kathak or any classical dancing, anything. Yeah. But it couldn't happen, but I am planning after I become a pilot. Ah. So I'll just take time for this and for sure learn this man. Yeah. Thank you so much. So Oindrila takes classes online, so I was suggesting you take her number. Excellent performance. Big applause please once again. Thank you. इसी के साथ अपना कार्यक्रम कंप्लीट होता है। प्रोग्राम के बाद ना हम लोगों के लिए वीआईपी दर्शन का इंतजाम था, तो डायरेक्ट हम मतलब एकदम मेन मंदिर में जाएंगे, पर वहाँ ना कैमरा अलाउड नहीं है, तो अंदर मैं नहीं दिखा सकती, फिर बाहर आके आप लोगों से फिर मिलती हूँ। देखिए आज ना मतलब इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, पूरा दिन जैसे प्रोग्राम हुआ वैसे दर्शन हुआ, और भी बात कुछ हुआ मैं बताऊंगी, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। मुश्किल भी हुआ, बस नहीं मिल रहा था, बहुत एक घंटे के ऊपर हम खड़े थे, हालत एकदम ऐसे ख़राब हो गया, लेकिन बहुत कुछ अच्छा भी हुआ। पर इस हाल में ना मैं इतना टायर्ड हूँ, अभी बात नहीं करूँगी, चलिए होटल में चलते हैं, चेंज करके फिर आप लोगों से बात करूँ। जैसे मैंने कहा ना प्रोग्राम के बाद होटल गए, 2-3 किलोमीटर कुछ डिस्टेंस होगा, वहाँ जाके फिर सबने कॉस्ट्यूम चेंज किया, थोड़ा सा फ्रेश हुए, फिर हम डिनर के लिए आ गए।
तो हमने ड्राइवर दादा को ही कहा था कि कोई अच्छा रेस्टोरेंट में ले जाइए जहाँ हम लोग अभी एकदम रिलैक्स्ड वे में बहुत अच्छे से डिनर करें। तो मंदिर के एकदम सामने इतना अच्छा रेस्टोरेंट है, ये भी हमने एक्चुअली सोचा नहीं था कि यहाँ इतना अच्छा रेस्टोरेंट मिलेगा। अब अंदर रेस्टोरेंट भी देखिए इतना सुंदर है, और वहाँ के जो स्टाफ थे ना उनका बिहेवियर भी इतना अच्छा है। देखिए मंदिर में इस तरह के स्टैचू है बाबा का, इतना अच्छा लग रहा था। एंड उसके बाद हम सब एक साथ जब बैठे ना डिनर के लिए, तो इतना फ्री माइंड में और इतना दिल खुश होके सबने एंजॉय किया। सब बच्चों को लेके जब बैठे हैं ना यहाँ, तो पहले तो बच्चों का डिमांड था ये खाना है ये खाना है, तो जिसको जो चाहिए आज उसको वही मिलेगा। देखिए सबके डिमांड में ना पहले कुछ चाइनीज पाव भाजी, फिर मिसल पाव, जिसने जो कहा वो हम मंगवाए। इस तरह से पहले हमारा डिनर शुरू हुआ। तो ये इतना टेस्टी था ना, बच्चे भी इतना खुश और हम बड़े भी बहुत खुश हुए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे तो और अच्छा लग रहा था बच्चे खुश हो रहे ना वो देख के मैं बहुत खुश हो रही थी। फिर हमने स्पेशल थाली का ऑर्डर दिया। थाली देखिए, सच में हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ इतना अच्छा फूड मिलेगा। बच्चे तो इतने खुश हुए और थाली इतना सुंदर था, इतना आइटम सजा के जो दिया। और क्योंकि मेंटली ना मैं अभी बहुत रिलैक्स्ड हूँ, मतलब 80% तो हो गया हमारा पूरा दिन का काम, अभी खाली मुंबई वापस जाना है बस इतना ही। और सबको कहा था कि जितना चाहे दिल खोल के एंजॉय करके डिनर करो, क्योंकि पूरा दिन हमें बहुत मेहनत। वो वहां से हाय कर रहे, देखो सब बच्चा पार्टी हाय बोलो, बच्चा पार्टी। देखिए अभी ना रात का 11 बजे हम लोग वॉशरूम के लिए थोड़ा सा रुके, और अभी इतना ठंड लग रहा है ना, बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग, और पूरा पूरा बस बस सब सो गए, घोड़े बेच के सो गए। आप सोचे थे, मैं एटलीस्ट इतना नहीं सोती हूँ, लेकिन पौने 5 बजे से जगी हुई, इतना कुछ किया, तो नेचुरल वो तो है ही। ए कैसा रहा? अच्छा, बहुत अच्छा, मजा आ रहा। ओ चलो 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 चलो, बस में आके तो हम लोग सब फिर से सो गए। और अभी देखिए हम हीरानंदानी पहुंच गए, अभी ऑलमोस्ट 1:30 बज रहा है। तो कुछ बड़े स्टूडेंट जो थे ना उनके घर रास्ते में ही ऑन द वे है, तो 2-3 लोग बीच रास्ते में उतर गए, मतलब पवई पहुंचने के बाद ही उनका घर था तो वो उतर गए, और बाकी बच्चे हमारे साथ। ये देखिए हमारे बिल्डिंग में अभी बस पहुँच गए तो हम आ गए। और पेरेंट्स के साथ ना कांस्टेंट हम कांटेक्ट में तो थे, तो उनको बता दिए थे कि इस टाइम में बस पहुंच रहा है। हमारा टारगेट तो था 12 बजे, लेकिन हम अल्टीमेटली पहुंचे रात को 1:30 बजे। तो पेरेंट्स सब आए हैं बच्चों को लेने के लिए, सब सो रहे हैं, तो सबको उठा के बच्चा आ जाओ आ जाओ, फिर सबको घर जाना तो है ही, और बहुत टायर्ड लग रहा है, मतलब मुझे तो लग रहा है, बच्चे को तो नेचुरली लगेगा ही। पर आज का दिन जिस तरह से हमने बिताए, मतलब ए बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, इतना अच्छा सब कुछ हुआ, प्रोग्राम हो, जर्नी हो, फूड हो, एंजॉय हो, हर एक पॉइंट अगर हम बात करें ना, क्योंकि छोटे बच्चे भी था, एकदम छोटे से लेके बड़े सब एज ग्रुप था ना, तो सबको संभालना और बच्चों को तैयार करना, फिर बच्चों के हिसाब से थोड़ा उसको एंजॉय कराना, बहुत बहुत अच्छा लगा। डेफिनेटली हमारा मेहनत तो है ही, लेकिन आप सबका प्यार, बड़ों का आशीर्वाद एंड भगवान का आशीर्वाद, ये सब नहीं होता है ना तो इस तरह के काम नहीं होता है। एनीवे बहुत अच्छा आज का दिन बिताई, आशा है आप लोगों को भी अच्छा लगा। बहुत जल्द फिर मिलूंगी, आज इतना ही, बाय बाय।